अस्सलाम वालेकुम। अरे बड़ा आप लोग ऐसा लग रहा नाश्ता नहीं कर रहा है, मैं फिर वही लाइन बोलूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो चले हम शो का आगाज करते हैं। मैं हूँ किरत दाऊदी और मैं हूँ अहमद नदीम बट, और हमारी जानिब से और फेस टीवी की जानिब से आप तमाम लोगों को जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक। साथ ही हम आपको खुश आमदीद कहते हैं फेस टीवी की स्पेशल लाइव लॉन्चिंग ट्रांसमिशन से। किरत, आप बताएंगे कि आप जश्न आजादी किस तरीके से मनाती हैं? यकीनन बहुत प्यारा सवाल है, और बहैसियत पाकिस्तानी जैसे मेरे लिए तमाम लोगों के लिए ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है, वैसे ही मेरे लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन आज ये ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि सिर्फ जश्न आज़ादी नहीं है अहमद, यहाँ पर फेस टीवी की लॉन्चिंग सेरेमनी भी है। इसी बात पर हम जोरदार, मैं चाहूँगा हम एक दफ़ा एक तालियाँ हो जाए ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग नाश्ता करके आए। एनर्जी आज इस रूम की। इसके साथ एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, हमारे कुछ गेस्ट हैं, दे आर ऑन देयर वे, और हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। इसी के साथ अपने बाकायदा शो का आगाज़ करते हैं। किरण जी, ज़रूर बिल्कुल, हम अपने शो का आज आगाज़ करते हैं, लेकिन इस आगाज़ के लिए मैं ज़रूरी समझूंगी कि हम तलावत कलाम पाक से इसका आगाज़ करें। और मैं दावत देना चाहूँगी, हमारे टीम मेम्बर हैं मिस्टर मुनीब, हाफिज़ मिस्टर मुनीब, प्लीज़ आप आइए और तलावत कलाम पाक पेश फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। وإذا قرئ القرآن فاستجب له، کہ جب تلاوت کلام الرحمن کیا جائے تو اسے توجہ سے سماعت کیا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا والحمد للصف والريح فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج.
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. जज़ाकअल्लाह। अब मैं दावत देना चाहूँगी मिस्टर आसिफ कलाम मलिक साहब को कि वो आएं और नाते रसूल मकबूल पेश कीजिए। नबियों के नबी आलम के अमीन हर दिल के दिल बराते नबियों के नबी आलम के अमी हर दिल के दिल बराते हैं है अर्श से ऊंची आ जमी तशरीफ मोहम्मद लाते हैं सल्ले अला सुबहान अल्लाह सल्ले अला सुबहान अल्लाह वो दर है तुम्हारा दर्रा का सल्ले अला सुबहान अल्लाह वो दर है तुम्हारा दर्रा का उस दर से मुरादें पाई हैं जिस दर से मुरादें पाते हैं नबियों के नबी आलम के अमी हर दिल के दिल बर आते हैं। सुभान अल्लाह। अहमद ये कैसे हो सकता है कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम हो और जश्ने आज़ादी भी हो बिल्कुल और कौमी तरहाना ना हो नहीं तो बिल्कुल नाज़रीन मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप सब एहतरामन कौमी तराने के एहतराम में प्लीज़ खड़े हो जाइए। किरत हम एक दीन के मानने वाले हैं और ये एक खूबसूरत दीन है। इसका अपना निज़ाम हयात ही यही था कि इसके वजूद के ऊपर ही बुनियाद के ऊपर ही
दो कौमी नज़रिया वजूद में आया। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल अहमद, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। नज़रियात का ताल्लुक नज़रियाए हयात से है और बिल्कुल उसी का ताल्लुक कम्युनिकेशन के साथ है। और यकीनन मीडिया का एक अहम रोल बनता है हमारी ज़िंदगी में जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप अपनी इस बात पे कुछ थोड़ी सी और रोशनी डालना चाहेंगी? और अगर मैं रोशनी ना डालूं तो? अरे ऐसा तो ना करें। नहीं जी, मैं इस बात पर बिल्कुल रोशनी नहीं डालूंगी क्योंकि मुझसे ज़्यादा बावकार, काबिले एहतराम और मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस बात पर मुझसे बहुत बेहतरीन तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। मैं दावत देना चाहूँगी बहुत ही मोहतरम हमारे स्कॉलर डॉक्टर सैयद मुजफ्फर रिजवी साहब को कि वो प्लीज़ यहाँ पर आइए और हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। आप सबकी भरपूर तालियों में डॉक्टर मुजफ्फर साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين। यौम आज़ादी के इस पुरमसरत मौके पर तमाम अहलियान पाकिस्तान को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ये खुशी का दिन है और हमारे लिए एक और खुशी का दिन ये है कि आज फेज़ टीवी की इनोग्रेशन सेरेमनी भी आज ही है। और इस खुशी के मौके पर कि जहां मुझे बात करनी है जिस मौजू पर, मीडिया और इस्लाम के हवाले से, तो आज ये एज़ाज़ भी फेज़ टीवी को इंशाल्लाह हासिल हो रहा है कि आज के दिन अपनी नशरियात का आगाज़ करें और उस पाकिस्तान की असास पर गुफ्तगू करें और उस पैगाम को तमाम दुनिया तक पहुँचाए कि वो पैगाम कि जो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ख्वाब देखा और अल्लामा इकबाल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिन रात एक करके इस मुमलकत पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए कोशिशें की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 14 अगस्त मिली तारीख़ का ये सुनहरा दिन है कि जिसमें वो तमाम तर कुर्बानियों की याद ताज़ा होती है कि जो 14 अगस्त 1947 को हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ पेश की थीं। इस्लाम और अगर मीडिया की बात करें तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह यासीन के अंदर इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम, जब हक का पैगाम पहुँचाया तो साथ ही ये जुमला, ये कुरान की आयत भी साथ इरशाद फरमाते कि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम है कि पैगाम को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना। और मीडिया का भी काम यही है कि वो हक की आवाज़ बने, वो मज़लूम की आवाज़ बने और इस हक की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाए। ये सुन्नत अंबिया है, अम्बिया अलैहिस्सलाम ने इसी सुन्नत पर अमल किया और हक़ पैगाम को उस ज़माने में जो मीडिया का जो तरीक़ा कार था कि खतूत के ज़रिए से हमारे नबी आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम इस्लाम को, पैगाम परवरदिगार को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। और यही सिलसिला जारी रहा और आहिस्ता आहिस्ता मीडिया ने तरक्की किया और इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिसके ज़रिए से पैगाम हक को दुनिया में आम किया जाता है। और फेज़ टीवी का भी यही शियार और यही हदफ और मकसद है कि हक़ की आवाज़ बने और हक़ की आवाज़ को तमाम इंसानों तक पहुँचाएँ। अम्बिया अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने खाने काबा की तमीर की, खाने काबा की दीवारें बुलंद करके जब खाने काबा तैयार हुआ तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, परवरदिगार खाने काबा की तामीर हो चुकी है, अब क्या हुक्म है? परवरदिगार का हुक्म ये आया, ए इब्राहिम आवाज़ बुलंद कीजिए कि तमाम इंसानों तक ये आवाज़ पहुँचेगी और उन्हें बुलाइए खाने काबा की ज़ियारत के लिए। जब ये आवाज़ बुलंद करने के लिए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज़ की, परवरदिगारा ये मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी, दुनिया तक मैं कैसे मेरी अपनी आवाज़ पहुंचा सकता हूं? उस वक्त खुदा की जानिब से जवाब आया, इब्राहिम ये मेरा काम है कि तुम्हारी आवाज़ को पूरी कायनात के ज़मीन और आसमान के हर मखलूक तक पहुंचाऊंगा। और उस ज़माने में जो आवाज़ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
बुलंद की थी। रिवायत के अंदर, अहादीस मुबारक के अंदर ये बयान है कि आप की ये ऐलान, आपका ये ऐलान जो है वो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूकात तक पहुंचाया, उस वक्त के इंसानों तक, और वो यहाँ तक कि जो शिकम में मादर में बच्चे थे उन तक वो आवाज़ पहुँची, और क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों में, आलम अरवाह में वो आवाज़ पहुँची। इसलिए रिवायत कहती हैं कि वो इंसान हज को जाएगा, बैतुल्लाह की ज़ियारत करेगा, जिसने उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। आज मीडिया की जिम्मेदारी हक की आवाज़ बनकर और आगाही को आम करना, हक के पैगाम को आम करना, और माशरे की इस्लाह करना, और मजलूम की आवाज़ बनना, और गैर जानिबदार रहना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है मीडिया के लिए कि वो गैर जानिबदार रहे, और बहैसियत मुसलमान के हर मुसलमान की आवाज़ बनना, और इस्लाम के पैगाम को आम करना, और हर इंसान के एहसासातों ख्यालात की तर्जुमानी करना, ये मीडिया का काम है। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर ख़त्म करूँगा कि हम बहैसियत मुसलमान के इस मीडिया के ज़रिए से हक की आवाज़ को दुनिया में आम करें, मज़लूम की आवाज़ बने, हर इंसाफ मांगने वाले की आवाज़ बने, और दुनिया में इस पैगाम हक को पहुँचाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।